टेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता फ्लक्स। नेक्स्ट ये कहता है फोर चार्जेज है, हमारे पास चार चार्ज है, चलो तो चार चार्ज हम लोग क्या है, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, कई बार बोल दिया मैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 2L, चलो साइड 2L का स्क्वायर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ए नाम का पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो ए नाम का पॉइंट है और इस पे बिटवीन द टू चार्ज पोटेंशियल निकालना, समझने की कोशिश करना, ये क्वेश्चन है वो जनरली बच्चे कर नहीं पाते हैं इस क्वेश्चन को, तो आपको आपके लिए मैं करता हूँ। एक स्क्वायर है हम लोग के पास, दिस इज द स्क्वायर, अब इस स्क्वायर पे मैं एक प्लस चार्ज यहाँ रखता हूँ और प्लस चार्ज यहाँ रखता हूँ, फिर माइनस चार्ज यहाँ रखता हूँ, फिर माइनस चार्ज यहाँ रखता हूँ, चलो आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। ये जो पॉइंट ए है वो इसका मिड पॉइंट है, मतलब ये डिस्टेंस एल है, पूरा डिस्टेंस तो 2L है स्क्वायर का, बराबर है, तो इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, आप सबको पता है कि पोटेंशियल क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है, कॉन्सेप्ट जो होगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का यूज होगा, तो इन चारों का जो पोटेंशियल बना उन सबको जोड़ लूं तो मेरा सोल्यूशन हो जाएगा, पर इतना आसान नहीं है जोड़ना यार, क्योंकि डिस्टेंस पता नहीं है, तो यहां से तो डिस्टेंस पता है भाई, पता ना, यहां से ये वाली डिस्टेंस पता है यार, यहां भी डिस्टेंस पता है, तो इन दोनों का मैं जोड़ लूंगा पोटेंशियल, एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, KQ ओवर R, R डिस्टेंस पे, तो इन दोनों का तो यहां पर जो पोटेंशियल बनेगा वो मैं V1 बोल देता हूं, वो KQ ओवर L और प्लस KQ ओवर L, तो इसका मतलब ये हुआ 2KQ ओवर L, इन दोनों का काम हो गया खत्म, इन दोनों का पोटेंशियल मैंने जोड़ लिया यहां से, L डिस्टेंस पे था ये हो गया, लेकिन इन दोनों का कैसे जोड़ोगे, तो ये वाली डिस्टेंस निकालोगे बाय यूजिंग द ज्योमेट्री, तो ये ज्योमेट्री मैं यूज करूंगा कुछ यहाँ से, अब आप यहाँ से अगर मैं डिवाइड कर दूँ इसको और ये एंगल अगर थीटा कंसीडर कर लूँ, तो ये 2L है और ये L है, तो ये वाली डिस्टेंस बड़े आराम से आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, 4L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा 5L स्क्वायर अंडर रूट, मतलब L रूट 5, दिस डिस्टेंस इज L रूट 5, बराबर है, तो ये जो है वो L रूट 5 आ गया, तो अब मैं पोटेंशियल इन दोनों का लिख लेता हूं, माइनस साइन है तो पोटेंशियल इन दोनों का V2 में बोल देता हूं, इसका और इसका दोनों का बराबर होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, माइनस KQ और डिस्टेंस L रूट 5, दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू दिस टू चार्ज। अब नेट पोटेंशियल इन सभी का सम ऐसे ही होता भैया, तो इन दोनों का जो इन जो जो नेट पोटेंशियल होगा वो V1 प्लस V2, तो इसका मतलब ये हुआ 2KQL और माइनस 2KQ अपॉन L रूट 5, तो क्या कॉमन आ गया यार, तो मुझे मिल गया 2KQL कॉमन आ गया 1 माइनस 2KQ कॉमन आ गया 1 रूट 5, दिस इज द फाइनल पोटेंशियल, देख लेते हैं 1 माइनस 1 बाई रूट 5, तो 2KQL मतलब हम लोगों को सी ऑप्शन सही दिख रहा है, तो दिस इज द ऑल फ्रॉम द मी, इसके आगे जो बाकी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखो, मोटिवेटेड रहो, एनर्जेटिक रहो।